आज की हमारी चर्चा स्वास्थ्य से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आप हैं द वर्सेटाइल डॉक्टर के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव अतुल। कुछ रिसर्च पेपर्स में किडनी स्टोन के दर्द को चाइल्ड बर्थ के दर्द से भी ज्यादा सीरियस माना गया है। Slightly painful Walter slide. ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन सीधी बात ये है, किडनी स्टोन से होने वाला दर्द बहुत 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 भयानक होता है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई मेडिकल कंसल्टेशन नहीं है। अगर आपको या आपके किसी परिवारजनों को इस तरह की कोई शिकायत है तो इस वीडियो को कंसल्टेशन के हिसाब से ना देखें। ये सिर्फ जानकारी और जागरूकता के लिए है, ताकि कभी आपको ऐसे कोई लक्षण हो तो आप उसको नजरअंदाज न करें, आप उसको समझ पाए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें। आम आबादी में 10-12% लोगों को ये शिकायत हो सकती है, उनके गुर्दे में पथरी आने की और पथरी के कारण कुछ सिम्टम्स यानी दर्द की शिकायत या उससे जुड़ी हुई कोई और लक्षण होने की संभावना रहती है। किन व्यक्तियों के गुर्दों में पथरी जमने की संभावना होती है, इन सब सवालों का जवाब जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी में है। कौन कौन से जीन इस प्रवृत्ति के लिए कारण हो सकते हैं, इसका भी ठीक से पूरी तरह से पता अभी तक नहीं चल पाया है। सीधे तौर पर देखें तो किडनी स्टोन बनने के बहुत कारण हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी होना, पेशाब का ठहराव, पेशाब की अम्लता यानी एसिडिटी ज्यादा होना, पेशाब के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन यानी संक्रमण होना और किडनी द्वारा खून के फिल्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का असंतुलन होना, जिसके कारण शरीर में ही मौजूद तत्व एक साथ जुड़ के ठोस रूप लेकर, कणों का रूप लेकर पथरी को जन्म दे सकते हैं। इस असंतुलन का कारण विटामिन ए और विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि शुरुआत में इन कणों का जमना इतना सूक्ष्म होता है कि वो बिना माइक्रोस्कोप के आंखों से देखा भी नहीं जा सकता और लगातार पेशाब के साथ वो निकलता भी रहता है। तो गुर्दे में पथरी होना अपने आप में कोई बहुत बुरी बात नहीं है। कभी कभी किडनी के अंदर स्टोन्स मिलना आम बात है और उस तरह के व्यक्ति को किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसके कारण दर्द क्यों होता है? दर्द तब होता है जब कोई स्टोन, कोई पथरी या उससे टूटा हुआ कोई टुकड़ा आपके पेशाब के रास्ते से निकलना चाहता है, आपके शरीर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो रास्ते में फंस जाता है। शरीर के अंदर से आवाज आती है, एक तरह से यूं समझे कि किडनी जो पेशाब बनाने की फैक्ट्री है और पेशाब के आउटलेट के बीच में जो एक नली होती है, एक पतली सी यूरेटर नाम की नली होती है, जिसमें छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े फंस जाते हैं। फंस जाने से पेशाब के रास्ते में अवरोध होता है और इस नली के अंदर पेशाब का दबाव बढ़ने के कारण दर्द होता है। ये पीड़ा खास तौर पे ऐसा महसूस होता है कि किसी एक साइड से शुरू होती है और सामने और नीचे की तरफ जाती है। अधिकतर केस में डॉक्टर इस तरह के पेन की, इस तरह के दर्द की तीव्रता, उसका लोकेशन और उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दर्द का कारण कोई किडनी का स्टोन है। कंफर्म करने के लिए एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी से पथरी के आकार और उसकी सटीक स्थिति का पता बिल्कुल सही तरीके से लगाया जा सकता है, जिससे ट्रीटमेंट का निर्णय लिया जाता है। दर्द के अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं? पथरी या पथरी के किसी टुकड़े के किनारों से किडनी के अंदरूनी सतह या यूरेटर का अंदरूनी जो हिस्सा है वो छिल सकता है, जिससे पेशाब के साथ साथ थोड़ा सा खून भी निकल सकता है और उस जगह पर संक्रमण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए गुर्दे की पथरी का डायग्नोसिस होने के साथ साथ खून और पेशाब के जांच करवाने की भी जरूरत पड़ सकती है। पथरी की शिकायत होने पर या पथरी से युक्त किसी लक्षण के आने पर डॉक्टरी परामर्श लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी कोई और बीमारी होना, कोई और दवाई आप ले रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए तत्कालीन रिपोर्ट को देखकर ही डॉक्टर आगे के ट्रीटमेंट के बारे में निर्णय ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि किडनी के स्टोन
का डायग्नोसिस होने के बाद ऑपरेशन ही करवाना पड़े। वैसा ज्यादातर गॉल ब्लैडर के स्टोन में होता है, यानी पित्त की थैली के स्टोन में, हालांकि उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। दवाओं के साथ भी इसकी चिकित्सा होती है, जैसा कि हमने कारणों में देखा था, शरीर में पानी की कमी के कारण से अगर स्टोन होने की संभावना है तो हाइड्रेशन यानी बहुत ज्यादा पानी पीना इसका एक इलाज है। अगर कोई संक्रमण है तो एंटीबायोटिक्स से इसका इलाज किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि पेशाब में अम्लता बढ़ने से यानी एसिडिटी बढ़ने से स्टोन्स होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसीलिए इलाज हम करते हैं कुछ ऐसी दवाइयां देकर जिससे पेशाब का पीएच बढ़ जाए। लेकिन पथरी का कोई टुकड़ा अगर अटका हुआ है तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और उसी कंडीशन में इमरजेंसी में एडमिट करने की भी जरूरत पड़ती है। एडमिट करने के बाद पथरी का इलाज हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो चीरा लगाकर जहां पर स्टोन फंसा हुआ है उस जगह से निकालकर, या तो आम भाषा में जिसे लेजर सर्जरी कहते हैं, हालांकि उसमें लेजर का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ESWL, जिसमें शरीर के बाहर से ही स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जो आसानी से शरीर से पेशाब के रास्ते से बाहर निकल सकता है। यह सुविधा बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध होती है और इसीलिए गुर्दे की पथरी उस इमरजेंसी के लेवल तक ना ही पहुंचे तो अच्छा है। इसे हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमें पता तो है नहीं कि हमारे गुर्दे में या आपके गुर्दे में स्टोन बन सकता है या नहीं बन सकता है। आज के जमाने की ये एक बहुत बड़ी जरूरत है कि कम से कम साल में एक बार एक विस्तृत स्वास्थ्य जांच हम लोग अपनी करवाएं, जिससे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें जल्दी से पकड़ में आ जाए। अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से अगर शरीर में स्टोन होने की संभावना हो या छोटी छोटी पथरियां जमा हो रही हो तो हम लोग समय रहते उसका इलाज शुरू कर सके। इलाज क्या है, हमने चर्चा की कि इमरजेंसी में अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और स्टोन का आकार बहुत बड़ा है तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो दवाइयों के साथ इसकी चिकित्सा की जाती है। और एक बार स्टोन का पता चलने के बाद फिर कभी भी आपको स्टोन के कारण कोई तकलीफ ना हो, पथरी का कोई टुकड़ा आपको बहुत ज्यादा दर्द ना दे, उसके लिए एक ही उपाय है, बहुत 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 ज्यादा मात्रा में पानी पीना। आज की हमारी चर्चा बस इतनी ही। इस विषय में अगर आपके मन में कोई और सवाल आए तो मुझसे जरूर कमेंट्स में पूछें। इस तरह के किसी और स्वास्थ्य चर्चा के लिए या किसी और विषय पर बात करने के लिए मैं आपके सामने वापस जल्दी उपस्थित होऊंगा। अगर इस छोटे से वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी और पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सटाइल डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।